नगरी विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता अरुण यादव के मैं सिंधिया नहीं हूं वाले ट्वीट पर कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रयास नहीं हुए कि अरुण यादव बीजेपी में आए। अरुण यादव की बीजेपी को आवश्यकता ही नहीं है। प्रदेश के सभी स्थानों पर हमारे पास नेतृत्व है। खंडवा में हमारे पास अनेक नेता हैं। नगरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, अरुण यादव को बीजेपी में लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह उनकी अपनी अंतर्कलह है। अरुण यादव में कांग्रेस का खून है। अरुण यादव कांग्रेस की बैठक में क्यों नहीं गए? कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने उनके बारे में बोला है कि सिंधिया जी और अरुण यादव की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये बीजेपी ने नहीं कहा है। सिंधिया को प्रदेश की जनता धन्यवाद कर रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार वाली सरकार को गिराया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसे प्रयास नहीं हुए कि अरुण यादव जी भारतीय जनता पार्टी में आए, और ना ही भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। हमारे पास पूरे प्रदेश में सब स्थानों पर नेतृत्व है, और चाहे वो खंडवा लोकसभा क्षेत्र हो, अनेक नेता हमारे वहां पर हैं। सिंधिया जी अगर प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो ये तो सिंधिया जी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और सिंधिया जी को प्रदेश, पूरा प्रदेश उनका आभारी है कि उन्होंने एक ऐसी सरकार को हटाने का काम किया जो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त थी, वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना हुआ था, ऐसी सरकार को गिराने का काम उन्होंने किया है, और इसलिए सिंधिया जी का हम धन्यवाद करते हैं। सिंधिया जी और अरुण यादव जी की कोई तुलना नहीं। भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। भोपाल में निचली बस्तियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। निचली बस्तियों में जल भराव ना हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। राजधानी में जर्जर भवनों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। जर्जर भवनों को चिन्हित कर उन्हें जल्द गिराने का काम किया जाएगा। मंगलवार को राजधानी में होने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि बैठक में स्कूल खोलने सहित राजधानी में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी। देखिए, दोनों ही विषयों को लेकर, एक तो जल भराव जो है निचली बस्तियों में या कहीं पर भी जल का भराव ना हो, इसके लिए निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ में हम लोगों ने जो कहीं नाले बनाना है, नाले की रिपेयरिंग करना है, नया नाला बनाना है, उसके लिए सभी निकाय को हम लोगों ने फंड जारी किया हुआ है, तो ये उस निकाय की जिम्मेदारी होगी कहीं पर भी इस तरह की स्थिति ना बने। दूसरा, जर्जर मकानों के संबंध में निर्देश हैं विभाग के पहले से कि इनको चिन्हित करें, और चिन्हित करके जो जर्जर हैं उनको गिराने का काम करें, और अगर इसमें कहीं पर भी कोई घटना होती है या कोई लापरवाही होती है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, भोपाल को थर्ड वेव को लेकर, बाकी ट्रैफिक सिस्टम वगैरह जो है स्कूलों का है, इस सब के लिए कल हमने भोपाल की बैठक बुलाई है। हम स्वयं भी हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे, और कल जो हमारा अन्न उत्सव है उसके बारे में भी भोपाल जिले की तैयारियों पर चर्चा होगी, तो कल बैठक बुलाई है, उस पर विस्तार से भोपाल के सब विषयों पर चर्चा होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।